हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का एक शॉर्ट टर्म कोर्स है कैट, दैट इज सर्टिफिकेट इन अकाउंटिंग टेक्नीशियंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये कोर्स किन स्टूडेंट्स को करना चाहिए और अगर वो ये कोर्स कर लेंगे तो उन्हें इस कोर्स से क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। चलिए तो देखते हैं ये कोर्स किन किन स्टूडेंट्स को करना चाहिए। अगर आप CA, CS, CMA जैसे एडवांस प्रोफेशनल लेवल कोर्सेज में टाइम डेडिकेशन नहीं देना चाहते, उन कोर्सेज को करने के लिए मिनिमम 4 to 6 ईयर्स ऑफ टाइम डेडिकेशन चाहिए होता है, बट आप ये भी चाहते हैं कि कॉलेज के बाद आपको एक प्लस पॉइंट, एक एडवांटेज मिले ताकि कॉर्पोरेट्स में जब आप इंटरव्यू की लाइन में खड़े हो तो आप उन इंटरव्यूज़ के कैंडिडेट्स में से आउटशाइन कर जाए। तीसरा, एक ऐसा कोर्स जो कि हमको ना ही सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज दे कि कॉर्पोरेट्स में कौन से टाइप ऑफ वर्क होते, बट उन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज के साथ साथ वो हमें ये भी बता दे कि इसे प्रैक्टिकली कंप्यूटर्स पे ऑनलाइन कैसे किया जाता है, ताकि जैसे ही आप इंटरव्यू के लिए जाए तो आप अपना कॉन्फिडेंस दिखा सके कि हमें ये काम ऑलरेडी आता है, हम इसके बारे में जानते हैं, तो आप इंटरव्यू में अपने सिलेक्शन के चांसेस बढ़ा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अब हम देखते हैं कि इस कोर्स से आपको और भी क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। पहला बेनिफिट तो यही कि जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आप सिर्फ एक ग्रेजुएट इंसान नहीं रहोगे, आपके पास एक ऐसा सर्टिफिकेट होगा जो आपको ये प्रूफ करने में हेल्प करेगा कि आपके पास थ्योरेटिकल के साथ साथ एक ऐसी कंप्यूटर बेस्ड स्किल्स भी है, ताकि आप जॉब के लिए सेलेक्ट होने के लिए द मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट हैं। दूसरा, इस कोर्स को करने से CMA इंस्टीट्यूट का जो कॉस्ट अकाउंटेंट का प्रोफेशनल डिग्री होता है उसमें आपको डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है इंटरमीडिएट लेवल के लिए। अगर आपने ये कोर्स कर लिया है और आपने 12th भी क्लियर कर रखी है और ये कोर्स भी क्लियर हो रखा है आपका, दैट मीन्स यू आर having a certificate in CAT, that is certificate in accounting technician, अगर आपके पास ये भी है तो आपको direct entry मिल जाएगी। That means employment के साथ साथ अगर आगे बढ़ के आप अपनी education को और upgrade करना चाहते हैं और advanced level पे लेके जाना चाहते हैं तो आप इस certificate के साथ साथ direct entry पा सकते हैं intermediate level for CMA exam, okay? अकाउंटिंग टेक्नीशियन का जो ये कोर्स है इसका ड्यूरेशन 1 ईयर का होगा और इसके एग्ज़ाम्स 2 पार्ट्स में लिए जाएंगे, Part 1 and Part 2। Part 1 आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज को असेस करेगा और Part 2 आपको कंप्यूटर बेस्ड स्किल्स फॉर योर थ्योरेटिकल नॉलेज वो प्रोवाइड करता है और उसी पे उसका असेसमेंट होता है। और दोनों जो एग्ज़ाम्स होंगे, दैट इज़ Part 1 और Part 2 के, वो दोनों ही MCQ बेस्ड होंगे। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, MCQ के साथ साथ इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। हमारा जो कोचिंग पे इसका फोकस रहेगा वो बेसिकली Part 1 के सब्जेक्ट्स पे या Part 1 के पेपर्स पे रहेगा। Part 1 के अंदर आपको 4 पेपर पढ़ने पड़ेंगे। Paper 1, फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि आपके 11th और 12th के अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट्स को ब्रशअप करेगा और उस पर असेसमेंट करेगा। 2nd, इसके अंदर आता है अप्लाइड बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल लॉज। अप्लाइड बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल लॉज के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ये सारे एक्ट्स आएंगे। और क्योंकि आपको किसी कॉरपोरेट के अंदर एज एन अकाउंटेंट भी जॉब मिल सकती है, तो आपको वहाँ पे पेरोल प्रोसेसिंग करनी पड़ सकती है, तो आपको वेजेस, बोनस, ग्रेच्युटी, एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस, इन सब एक्ट्स की उतनी नॉलेज होनी ज़रूरी है ताकि आपको पता लगे और ये आपको पता रहे कि अच्छा ऐसे कोई एक्ट्स हैं जो सैलरी वालों पे लगते हैं। तो अप्लाइड बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल लॉज वो पोर्शन कवर करेगा। Paper 3, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2, अगेन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इस पेपर का फोकस रहेगा आपके सिर्फ 4 टॉपिक्स को असेस करने का, दैट इज़ सेल्स अकाउंटिंग, पेरोल प्रोसेसिंग अकाउंटिंग, स्टोर्स अकाउंटिंग एंड एसेट अकाउंटिंग। ये पेपर आपको सिर्फ 4 पॉइंट्स पे इवैल्यूएट करेगा। लास्ट में हमारा आता है स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस। स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस विल मेक श्योर कि आपको GST की इंट्रोडक्टरी नॉलेज हो कि रजिस्टर कैसे करते हैं और रिटर्न्स कैसे भरते हैं, राइट?
देन आता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में आपको सारे हेड्स की एक बेसिक नॉलेज मिलेगी और TDS और ITR रिटर्न्स फाइलिंग आपको पता पड़ेगा, सेल्फ असेसमेंट टैक्स एंड चालान्स कैसे हम फिलअप करते हैं। लास्ट में बचता है कस्टम्स। कस्टम्स की नॉलेज भी आपको होनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको अकाउंटिंग का काम दिया गया है तो आपको पता होना चाहिए कि कस्टम्स का क्या इम्पैक्ट आता है हमारी अकाउंटिंग पर। तो ये था हमारा कोर्स ऑफ सर्टिफिकेट इन अकाउंटिंग टेक्नीशियंस, जिस पे हमारी क्लासेस स्टार्ट होगी फॉर Part 1 लेवल के लिए। तो मिलते हैं आपसे अपने कोर्स के साथ, और एक एक सब्जेक्ट की हम क्लास इन डेप्थ और अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। ना ही सिर्फ ये सर्टिफिकेट आपको एक प्लस पॉइंट दिलाएगा इन द इंटरव्यू, बट ऑल्सो द नॉलेज जो आपको गेन होगी कोचिंग से, वो भी आपको एक एज दिलाएगी, एंड दैट विल मेक यू आउटशाइंड फ्रॉम अमंगस्ट ऑल द इंटरव्यू कैंडिडेट्स। सो मिलते हैं आपसे अपनी क्लासेस की शुरुआत में, जो पेपर वाइज हम पढ़ते जाएंगे। टिल देन, थैंक यू।